मणिग्रीव उनका भगवान ने उद्धार किया और भांडीर वन में राधा जी का और भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह का पठन पाठन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब आइए, भगवान कृष्ण ने ब्रज में गोवर्धन की पूजा कैसे करवाई, आइए ये पावन कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। बड़ी सुंदर पावन चरित्र है। गोवर्धन बन गए पंडा जी, गोवर्धन बन गए, बन रहे कितनी देर लगी, कितनी देर लगे, अब आइए अभी 20 मिनट गोवर्धन बनने में है मेरे भगवत प्रेमियों। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हम ये श्रवण कराते हैं कि राधा जी का मिलन और भगवान कृष्ण का मिलन पहली बार कहां पर हुआ। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण गायों को चराते हुए और जिस समय यमुना जी के किनारे पर जाते हैं तो एक दिन भगवान कृष्ण गायों को चरा के और शाम को लौट के घर पर आ गए और एक ग्वाला वहीं पर खड़ा है तो इधर बरसाने की जो राधा है वृषभान की पुत्री वो घूमती हुई वहीं पर पहुंची तो उस ग्वाला से कहने लगी ये बताइए तुमने श्याम सुंदर को तो ना देखा। तो ग्वाला कहने लगा बताइए तुम्हारा नाम क्या है। बोले मेरा नाम तो राधा है और मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभान की लाली हूँ, कृष्ण से तुम्हें क्या काम है। राधा जी बोली हमें उनसे दो बातें करनी है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, श्याम सुंदर से बताइए मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उस ग्वाला ने कहा कि आज तो नहीं, आज तो श्याम सुंदर घर पर चले गए और कल तुम इसी जगह पर आना तो तुम्हें स्वयं भगवान यहीं पर मिलेंगे श्याम सुंदर। तो राधा जी को वापिस कर दिया और इधर वो ग्वाला भगवान कृष्ण के पास में पहुंचा और कृष्ण से कहने लगा हे कन्हैया सुनो, अरे एक इतनी सुंदर लाली तो को याद कर रही है, सुनो और सुनो कितनी अच्छी है, हाय हाय इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अब हम का बतावे। भगवान कहने लगे जरा उसका नाम बताइए। तो आज वो ग्वाला कहने लगा सुनो अरे तुम्हें कोई ढूंढती है कन्न श्याम, तुम्हें कोई ढूंढती है कन्न श्याम, किधर चली गई। तो वो ग्वाला कहने लगा है ए वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और परेशानों बख धाम, तुम्हें कोई ढूंढती श्याम, तुम्हें कोई ढूंढती है श्याम, तुम्हें कोई ए तुम्हें कोई ढूंढती है श्याम, सलमा कोई काबू बरसाने की है और वृषभान की पुत्री है जिसको नाम राधा है। तो बोले वो कहाँ पे मिलेगी। बोले कल गायों को चराने जाना यमुना जी के किनारे पर मिलेगी। सुबह हुआ तो भगवान कन्हैया दूसरे दिन गायों को लेकर के गए और इतने जब
धीरे धीरे शाम होने लगी तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम जाओ गायों को घर पर ले जाओ और जब तक राधा न आ जावेंगी तब तक हो जाने वालों ना। तो आज इधर सभी ग्वाल वालों को तो भगवान ने भेज दिया, अब अकेले भगवान कन्हैया खड़े हैं। तो उते ते राधा आ रही है और राधा भगवान कृष्ण के पास में पहुंची खड़ी है गई। अब भगवान चाह रहे कि राधा जी बोले और राधा जी चाह रहे कि भगवान बोले, एक दूसरे की ओर देख रहे लेकिन बोलत कोई काउत नहीं है। तो इतने भगवान ने कही कि जे ना बोलेगी हम ही बोलने पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने कही राधा तुम आओ नाम है राधा, कहां ते आई हो बरसाने ते, का काम पड़ गो मोते। राधा बोले हम तुम्हें देख बेख ले आए। हम भगवान बोले हम सो इतने अच्छे कहाँ हैं जो तुम मुझे देख बेख ले आई हो। अब वही प्रेम की बात है, भगवान कन्हैया राधा जी में होने लगी और तब तक अंधेरो है गयो। भगवान कन्हैया ने की राधा काफी समय है गयो, अब आगे जंगल पड़ दो मोको डर लावेगो, डर लगेगो तो मोको घर तक छोड़ आवोगी। राधा बोली बिल्कुल चलो। अब साथ में राधा जी चल वही बातें होते रही और अब तब तक इते मैया यशोदा इंतजार कर रही है मेरे लाला बेहुना आओ, मालूम नहीं कुछ दारी के चक्कर में पड़ गयो। और तब तक भगवान कन्हैया घर पे आए, मैया ने दूर से देखो और दैया रे चूजन कितने हैं, ए चूजन किनकी लाली लेके आओ है। दरवाजे पे पहुंचे मैया यशोदा ने कही ए लाला ये बिटिया किनकी है। भगवान बोले मैया अंदर चलो, इनसे तुम तो बातें करके तो देखो, इनकी इतनी मीठी मीठी बातें, इतनी मीठी मीठी बातें, ये जान परे मन इनके मुख में चीनी को शरबत घोर दोगो। हाँ। अब मैया राधा जी को अंदर ले गई गोदी में बिठा लियो। बिटिया तुम्हारो का नाम है, तुम्हारी मैया को का नाम है, तुम्हारे गांव को का नाम है और तुम्हारे पिताजी को का नाम है जरा बताओ। तो गोदी में बिठा लियो राधा जी को। अब राधा कहने लगी मैया सुनो को नाम कीरती है और हमें राधा का